गुजरात की जानी मानी आरजे और पर्सनल ब्लॉगर अदिति रावल की एक तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है। अदिति की गिर के जंगल में गुजरात टूरिज्म के एड के शूट के बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तस्वीर में अदिति रावल गिर में पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होने वाली जिप्सी में बैठी हुई है, जबकि शेर ठीक उनके पीछे है। पर्यावरण प्रेमियों की माने तो इस तरह की तस्वीर खींचवाना शेर को परेशान करना है, जो कि एक जुर्म है। आपको बता दें कि इस पूरी ट्रिप को गुजरात टूरिज्म के जरिए स्पॉन्सर किया गया था। इस दौरान अदिति का एक डिजिटल एड शूट भी हुआ, जो गुजरात टूरिज्म का था। विवाद को लेकर गुजरात टूरिज्म के MD का कहना है कि ब्लॉगर अदिति रावल खुद के ब्लॉग के जरिए टूरिज्म को प्रमोट करती है, जिसमें गुजरात टूरिज्म के कई एड फुटेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही में प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए वाइल्ड लाइफ विभाग के स्पेशल परमिशन के साथ ये पूरा शूट किया गया था। साथ ही में अदिति की इस तस्वीर पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी बता रहे हैं कि वन विभाग ने ही उनको इजाजत दी थी। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि आखिर शूट नेशनल पार्क में हुआ या देवलिया सेंचुरी में किया गया, क्योंकि देवलिया सेंचुरी में खुली जीप में जाना बैन है। यहां पर टूरिस्टों को बस में बिठाकर शेर दिखाए जाते हैं। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर एड देवलिया सेंचुरी में शूट किया गया है, तो उसके लिए ओपन जिप्सी कहां से आई। साथ ही में इसके अलावा आरोप यह भी है कि देवलिया पार्क में शूटिंग के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जो कि बैन है। बहरहाल अब इस विवाद ने तूल पकड़ा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही होगी या नहीं, उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अहमदाबाद से गुजरात तक के लिए गोपी घांगर की रिपोर्ट।